गुड मॉर्निंग टू माई यूट्यूब चैनल अंबिका राइडर। सभी राइडर्स अपना अपना सामान लगेज रेडी कर रहे हैं। मेरी बाइक पे सारा कुछ मैंने सेटअप कर दिया है ऑलरेडी, बस अभी फाइनल कॉल की वेट हो रही है। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे गैंगटॉक में भी बहुत मज़ा आया, लोग बहुत अच्छे हैं, जितने भी लोगों से बातचीत हुई उन्होंने बहुत कॉपरेट किया। यहाँ का वेदर बहुत ही औसम है, वाटरफॉल्स, ग्रीनरी, लॉन्ग ह्यूज ट्रीज, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने के लिए तो मैं ज़रूर आ रही हूँ नॉर्थ ईस्ट को। सो स्टे ट्यून्ड, आज की जर्नी कैसी रहती है। थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है, इट्स मोर देन 400 किलोमीटर्स, हिली एरिया है सारा, और रास्ते के औसत से व्यू देखने हैं। सो बने रहिएगा। ऑन द वे हम खड़े हो गए और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, ऑसम व्यू। पूरी स्लांटेड रोड्स हैं और व्यू बहुत ही प्यारा है। हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट, क्योंकि हम निकले थे जल्दी, वो मीत खड़ा देख रहा है टेढ़ी नज़र से। हम निकले थे जल्दी तो इसलिए हमने बहुत कुछ खाया है जो कि हमें पैक मिला था। ये देखिए क्या क्या है इसमें, सब बनशन सब खा गए। हरप्रीत ऊपर चढ़ के देखो फोटो खींच रहे हैं, बहुत ऊपर गए हैं, सबकी फोटो खींच रहे हैं। क्या ऑसम व्यू है। आजो हरप्रीत थल्ले हूं भी बहुत अच्छा आ रहा है। मौसम है कितना फॉगी फॉगी वेदर है और वो जा रहे हैं राइडर्स। हम कर्व पे रुक गए और वो कर्व क्रॉस करके आगे चले गए। और ये है ज्योति जी जो बोल रहे हैं फोटो खींचनी है, फोटो खींचनी है। हम लोग सिक्किम का बॉर्डर क्रॉस करके, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करके अभी असम के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। और व्यू इतना ऑसम है, राइड ग्रुप राइड। ये है सीमा जी, हाय सीमा, हाय। और ग्रुप राइड में ये है कि आप स्टॉप नहीं कर सकते, हम फिर भी चीटिंग करके स्टॉप करके खड़े हो गए हैं। अदरवाइज तो ये होता है कि भागे जाओ भागे जाओ। व्यू इज सो ऑसम। मेरे पीछे ये ट्रीज है, मेरे को इनका नाम नहीं पता, मतलब ऐसे ट्रीज शिमला में नहीं होते, पाइन ट्रीज है शायद, नॉट श्योर, बट ऐसे ट्री शिमला में नहीं होते। आ जाओ राइडर्स, ऑसम व्यू। कभी धूप कभी बारिश कभी गर्मी, एवरीथिंग। कम दिस साइड एंट्री। अरे भाई साहब क्या बारिश हो रही है सिक्किम के जंगलों में। ज्योति रह गई थी पीछे, अब आई है ज्योति मैडम और हम तीन लोग आराम से राइड कर रहे हैं, लेकिन बारिश है कुछ नहीं दिख रहा है। हम पहाड़ के बिल्कुल ऊपर हैं, बहुत ज्यादा रेल हो रही है। रुकना है कि चलना है? रुक जा आई में। क्या हाल हो गया, हम एक शेड के नीचे खड़े हैं, मेरी बाइक लग गई है वहां पे और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ज्योति से बाइक नहीं लग रही, चल ज्योति निकलते हैं फिर। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये। साथ का व्यू भी कर दे रहा पीछे जाके। Yes.
No, we are from this local. Siliguri only, yes. And I am taking my cell phone. Yeah, sure. Am I coming? What's your name? My name is Vikas. Vikas. विकास मिले हैं, उन्होंने हेल्प की है फोटो लेने में, हम बारिश में भीगे हुए हैं, पूरी तरह से हेल्प किया है हमें। निचोड़ दूं तुझे भी, आ जा भाई, तुझे भी निचोड़ दे यार, शर्ट भी गीला है उसको बेचारा। रेन गन नहीं था। कोई बात नहीं, अभी सूख जाएगा, आ जाओ ऐसे अंदर, चल शानू अंदर आ जा, खाना वाना खाओ। पहुंच गए हैं वेस्ट बंगाल चालशा, यहाँ पे लंच पॉइंट है और गोडा जी हमें काट कर पहले निकल आए थे, निकल भी जाएंगे और हम लोग भीगे हुए हैं, सब लोग भीगे हुए हैं। नॉलेज में सब है, नॉलेज पूरी है, देखा नहीं कुछ। फिश एंड राइस इन वेस्ट बंगाल। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I saw. वॉल के पीछे बिल्कुल भूटान का एरिया चल रहा है, सिर्फ इंडिया का ये जो एरिया है यहीं तक आके साइड पे डान है, उसके बाद ये ख़त्म है। यहाँ है चाय का अरेंजमेंट और वो किया है जयगांव राइडर्स ने, और बहुत ही अच्छी रिफ्रेशमेंट दी है, समोसा गरम गरम गुलाब जामुन और चाय, उसके अलावा एपी है और एपी के साथ मिनरल वाटर तो है ही। सुंदर आया क्या? सुंदर भी पीछे ना। आज की राइड शुरू हुई थी सुबह 8 बजे। रास्ते में जो भी एक्टिविटीज़ हुई उसके बाद भी अभी 2 घंटे की राइड बाकी है और हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे खड़े हैं और यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है तो सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ से राइड कुछ 2 घंटे लगेंगे, हमारा आज का स्टे होने वाला है वहाँ पर और सब थक चुके हैं, बुरा हाल है सबका। टाइम अभी 6:15 ही है बट अंधेरा हो चुका है बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है और सनराइज भी जल्दी होता है तो बने रहिए कैसे स्टे बिना और रास्ते में कैसा अभी बहुत फास्ट 100 की स्पीड से आए सभी हमारे साथ स्पॉट कर रहा था बैस्टॉल का पुलिस, तो ये सारा बॉर्डर एरिया नहीं पड़ता बॉर्डर। ये चापागुड़ी बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट, बोंगाईगांव, बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट है और सोना होटल में हम पहुंच चुके हैं, हाईवे के बिल्कुल पास था सोना और अब सोना ही है बिकॉज 12 घंटे की राइड हो चुकी है ऑलमोस्ट और हालत बहुत बदतर हो चुकी है। अब हम सिर्फ सोने जा रहे हैं, सामने शॉप थी, भैया जी आए हैं और उन्होंने वेलकम टू असम बोला है। अर्जुन फिर सामान निकाल निकाल के फेंक रहा है और जो लोग बीच में रोज डाल देते हैं सामान अपने, ये ब्लू बैग भी डाल देते हैं क्यों? नहीं है ये बात सही बोली, ससुराल सबको छोड़ के जाएंगे इसलिए तब तक हमें ख्याल रखना है पूरी भारत का। ठीक है ठीक है। हमारी मानो बेग क्यों?
if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could